यूक्रेन की वायुसेना ने शनिवार को दावा किया कि उसने नई अधिग्रहित अमेरिका पैट्रियट रक्षा प्रणाली का उपयोग करते हुए कभी के ऊपर एक रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल को गिराया है। ये पहली बार ज्ञात हुआ है जब देश मॉस्को की सबसे आधुनिक मिसाइल में से एक को इंटरसेप्ट करने में सक्षम रहा है। वायुसेना के कमांडर माइकल ओलोशिक ने एक टेलीग्राफ पोस्ट में कहा कि किंजल प्रकार की प्लास्टिक मिसाइल को यूक्रेन की राजधानी पर भारत भर के हमले में सप्ताह के शुरू में रोक दिया गया था। यही पहली बार भी था जब यूक्रेन को पैट्रियट रक्षा प्रणाली का उपयोग करने के लिए जाना जाता था। ओल सूचक ने लिखा, हाँ हमने आदित्य किंजल को मार गिराया। ये कभी क्षेत्र के आसमान में 4 मई को रात के समय हमले के दौरान हुआ। ओले सूचक ने कहा कि ख-47 को MiG-31 के विमान से रूसी क्षेत्र से दागा गया और पैट्रियट मिसाइल से मार गिराया गया। किंजल न्यूनतम और सबसे उन्नत रूसी हथियार में से एक है। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिलों राजौरी और पुंछ में सुरक्षा स्थिति को जायजा लिया, जहां आतंकवादियों ने अक्टूबर 2021 के बाद से अब तक 8 हमलों में सैनिक सहित 35 लोगों की जान ले ली है। रक्षा मंत्री के राजौरी यात्रा आ रही है। जिले के जंगली कंडी इलाकों में एक आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान सेना की 5 कुलानी फायर कमांडो के मारे जाने के एक दिन बाद अधिकारियों ने कहा कि सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिंह ने साथ जम्मू कुछ देर रुकने के बाद राजौरी में एस ऑफ स्पेट्स डिवीजन मुख्यालय पहुंचे और आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे अभियान में लगे सैनिक से बातचीत की। शुक्रवार को कंडी इलाकों में चलाए गए तलाशी अभियान ऑपरेशन ग्रीनेट के दौरान सेना के 5 जवान शहीद हो गए और मेजर रैंक का एक अधिकारी घायल हो गया। आज सुबह एक छिपे हुए आतंकवादी को मार गिराया गया और एक अन्य को घायल होने की संभावना। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। रूसी उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रोस्को ने कहा, रूस मंगलवार को नाटो में फिनलैंड के अपेक्षित प्रवेश के जवाब में अपने पश्चिम और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करेगा। राज्य के स्वामित्व वाली समाचार एजेंसी RI ने बताया, रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद फिनलैंड और स्वीडन ने पहले साल नाटो शामिल होने के लिए आवेदन किया था। फिनलैंड के रूस के साथ एक 1300 किलोमीटर 810 मील सीमा है, जो मॉस्को के सामने गठबंधन की सीमा को लगभग दुगनी कर देंगे। रूस मंत्री ने पिछले साल कहा था कि रूस पर्याप्त जवाबी उपाय कर रहा था और अपने पश्चिमी सैन्य जिले में 12 इकाइयों और डिवीजनों का गठन करेगा। हम पश्चिमी और उत्तर पश्चिम दिशा में अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करेंगे। फिनलैंड में नाटो के अन्य सदस्यों के बलों और संसाधनों को तैनात किए जाने की स्थिति में हमने रूस को सैन्य सुरक्षा में शामिल किया। रूस का कहना है कि फिनलैंड को नाटो में शामिल होने के बाद वह उत्तर पश्चिम में